हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आप सभी को पता है कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है और मैं बहुत सारे फैशन वीडियोस अपलोड कर रही हूं बैक टू बैक। सो आज इसी सीरीज़ में एक और वीडियो अपलोड करने जा रही हूं। सो मोस्टली मैं साड़ी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना रही हूँ क्योंकि अपकमिंग फेस्टिवल्स में जैसे कि तीज आ रहा है, करवा चौथ है, दिवाली है, रक्षाबंधन है। सो बहुत सारी लेडीज़ हैं वो साड़ी ही स्टाइल करती हैं इन फेस्टिवल्स पर। सो उनके लिए इट माइट बी हेल्पफुल। आज की भी वीडियो है वो साड़ी से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साड़ी को आप लहंगे स्टाइल में कैसे पहन सकते हैं, वो भी दो तरीके मैं बताऊँगी। और अगर आप सिल्क की साड़ी पहनते हैं ना लहंगे स्टाइल में तो बहुत अच्छा लुक आता है। बट मैं आज आपको शिफॉन की साड़ी से बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है और सीज़न में सिल्क की साड़ी पहनना थोड़ा सा हैवी लगता है। लेकिन अगर विंटर्स में या फिर वेडिंग फंक्शंस में आप जा रही हैं तो आप डेफिनेटली सिल्क की साड़ी के साथ ट्राई करिए इस लहंगे लुक को, बहुत ही अच्छा लुक आता है। बट मैं ट्राई करूँ शिफॉन की साड़ी के साथ, तो आप भी शिफॉन की साड़ी के साथ इजिली अपने घर पर ड्रेप कर सकते हैं। सिल्के की लहंगे स्टाइल की साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। सो दो तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे साड़ी को लहंगे स्टाइल में पहन सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने खुद एक वेडिंग फंक्शन में सिल्क की साड़ी को ड्रेप किया था विथ माई सिल्क लहंगा स्कर्ट। एक्चुअली वो लहंगा नहीं था, वो स्कर्ट था। सिल्क स्कर्ट के साथ मैंने अपनी एक सिल्क की साड़ी को ड्रेप किया था। सो वो साइड से साड़ी का लुक आता है और साइड से लहंगे का लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ये फैशन। सो आप भी ये ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने सिंपली एक दिस इज द साड़ी, इसी साड़ी के साथ मैं स्टाइल करने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एकदम शिफॉन की साड़ी है। इसके साथ लहंगे का लुक बहुत अच्छा आएगा क्योंकि जो मैं सेकेंड लुक करूँगी जिसमें कि मैं पूरी साड़ी की प्लीट्स जो है वो ड्रेप करूँगी अपने अराउंड द वेस्ट, तो इससे क्या होगा, ये पूरा फ्लोई लहंगा सा बन जाएगा। और इसके ऊपर आपको अलग से दुपट्टा लेना होगा इसी का मैचिंग। सो इसके साथ जो दुपट्टा लिया है वो थोड़ा सा स्मॉल है, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट और लंबा दुपट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मेरे पास मैचिंग इसका जो है वो दुपट्टा थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ का ही था। इसे आप भी क्रिएट कर सकते हैं साड़ी से लहंगा लुक को, बहुत सारे अपकमिंग फेस्टिवल्स में ट्राई कर सकते हैं इस लुक को। और आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर इन दोनों लुक्स की फ़ोटोज़ जो है वो शेयर करूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हैं तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर टैग करिए, मैं ज़रूर देखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि दोनों लुक मैंने कैसे क्रिएट किए। सो गाइज, इस साड़ी को ड्रेप करने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्क की ये वाली स्कर्ट स्टाइल की है जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर चेक कर लीजिए। सो ये प्लेन सिल्क की स्कर्ट है फिरोजी कलर की और इसके नीचे गोल्डन लेस लगा हुआ है। सो जिस तरीके से हम पैंट के साथ साड़ी को ड्रेप करते हैं, सिर्फ एक साइड टक इन करते हैं, ठीक उसी तरह स्कर्ट के साथ भी आपको करना है, सिर्फ एक साइड टक इन करना है। और जिस तरीके से आप साड़ी में घुमा करके ऊपर वाली प्लीट्स लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लेना है। ये आप ओपन करके प्लीट्स लेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, इसमें आपको जो है प्लीट्स बना करके ही आप जब शोल्डर पर रखेंगे तो अच्छा लुक आता है। सो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यू नो समर्स के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, समर वेडिंग्स में आप इस लुक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस लुक को मैंने कंप्लीट किया, एक बिंदी लगाई है, बैंगल्स पहने हुए हैं, मैंने मल्टी कलर चूड़ियाँ हाथ में डाली हैं जिसमें कि पिंक और फिरोजी है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टैसल इयररिंग्स डाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश लुक लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। सो गाइस, सेकेंड लुक के लिए मैंने पूरी साड़ी को जस्ट लाइक एज अ स्कर्ट ड्रेप किया है। सो पूरी साड़ी के छोटे छोटे प्लीट्स बना करके आपको टक इन करना है और ये बिल्कुल ही लहंगा का लुक देता है एक तरीके से, एकदम फ्लोई सिंपल सा लहंगा। और इसके ऊपर आपको मैचिंग दुपट्टा लेना होता है इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए। सो मेरे पास यही एक मैचिंग दुपट्टा था जो कि हल्का सा नेट फैब्रिक का था, तो मैंने इसी के साथ इसको स्टाइल किया। So guys, that's it for today's video, which I hope you all like it. And if you really like this video, then please hit the like button. अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो please subscribe to my channel and please share this video with your friends and family. इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।